चीन और भारत के बीच में सोमवार को 11 घंटे लंबी बैठक चली, फिर मंगलवार को भी बैठकों का दौर चला। उसके बाद सामने आया कि चीन अपनी सेना को पीछे खींचने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसके लिए उसने कुछ समय सीमा की मांग की थी। लेकिन चीन इतना शरीफ कहाँ, वो तो दोगला है, जो कहता है वो तो बिल्कुल नहीं करता। वो भारत पर कब्जा करने की फिराक में घूम रहा है, ऐसे कैसे हार मानने वाला है, जिसकी आशंका भारत को थी भी। और ये आशंका यकीन में तब बदल गई जब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट्रेस्पा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चीनी सेना छोटे छोटे समूहों में पैंगोंग सो इलाके में आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी पैंगोंग सो झील वाले इलाके में अभी भी डेरा जमाए है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पैंगोंग सो के 19 किलोमीटर दक्षिण में ज्यादा सपोर्ट पोजीशन दिखाई दे रही है। चीन का यह हाल तब है जब बातचीत के बाद पेचिंग की तरफ से बयान जारी किया गया था। कहा गया था कि दोनों देश सीमा पर स्थिति को बातचीत और परामर्श के जरिए शांत करने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के जनरल स्तर पर हुई बातचीत के दौरान ड्रैगन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया था। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान भारत ने साफ कह दिया था कि चीन को 5 मई से पहले वाली स्थिति पर ही लौटना होगा, तभी चीन और भारत के बीच में अच्छे संबंधों की फिर से नींव रखे जाने की संभावना है। लेकिन विस्तारवादी नीति वाले चीन को तो अपना विस्तार करना है, उसे किसी से कोई संबंध नहीं बनाना है। तभी तो देखिए, अब पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ रहा है चाइना।